तो ये हिस्सा इसका कहलाता है टेबल। अब ये टेबल जो है बेसिकली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ से खोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वर्ड हमने यहाँ से खोल लिया है हमारे सामने। ये एक सीवी ऑलरेडी बनी हुई है, इसको मैंने आपके सामने ओपन करने की कोशिश की है। ये ओपन हो गई है, डबल क्लिक किया, यहाँ से इसको नीचे लेकर आ गए और ये है देखें इसके अंदर ये बना हुआ है। अभी इस तरह का एक सेक्शन आप कैसे बना सकते हैं इसको समझने के लिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहले समझ लेते हैं टेबल। तो टेबल क्या होता है? टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली रोज एंड कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए इस टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे ये क्वालिफिकेशन वाला टेबल है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो सिंपली बनाने का तरीका ये है कि आपने हेडिंग बनाने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से एक रो बनानी है। अब ये एक रो एक टेबल एक सेल है, ये दो कॉलम एक रो एक टेबल दो सेल है, इस तरह ये बढ़ रहा है नीचे जा रहे हैं। अब ये हो गया एक टेबल एक दो दो रोज और तीन कॉलम्स और सेल बनेंगे 2 बाई 3, 3 × 2 हो गए 2, 6, 6 सेल्स हैं। हमें टेबल कितना चाहिए? हमें टेबल कुछ इस हिसाब से चाहिए, क्लिक कर दिया तो ये देखें टेबल यहाँ पे बन गया। अब जब ये टेबल बन गया है तो हम इसके अंदर टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर, टैप करके अगली वाले सेल में चला गया मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिग्री डिग्री ऑब्लिक सर्टिफिकेट और आगे चला गया मैं पासिंग ईयर और आगे चला गया मैं बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी का जिक्र यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर डिग्री पासिंग ईयर बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी क्या चीज़ रह गई है इसके अंदर? एक चीज़ मिसिंग हो गई है मेरे ख्याल है कि ये रही है ग्रेड ऑब्लिक क्लास। अब मैंने तो लिख लिया यहाँ पर, क्या करें देखें। अब हम टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टैब हमें नजर आएगा व्यू, और जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में दो और टैब नजर आएंगे, टेबल डिजाइन और लेआउट। लेआउट यहाँ पर भी है पर ये टेबल से रिलेटेड नहीं है, और डिजाइन यहाँ पर भी है पर ये भी टेबल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पेज से रिलेटेड है। लेकिन जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिजाइन और लेआउट जो एक्टिवेट होंगे ये टेबल से रिलेटेड है। तो आपने मुगलता नहीं खाना है, दोनों के नाम सेम है, कहीं आप बाद में इधर क्लिक करें और यहाँ से चेंज करते रहें, यहाँ से कोई चेंज होगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है? तो आपने पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ से आना है टेबल डिजाइन और लेआउट पर। लेआउट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रोज एंड कॉलम। ये वाला जो पैनल है वो इस टेबल को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसके अंदर, इसको देखिएगा। मुझे क्या करना था? मुझे यहाँ पर एक बीच में कॉलम चाहिए। तो देखें आप अपना कर्सर जहाँ रखेंगे, या तो उसके राइट साइड पर या उसके लेफ्ट साइड पर आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ इंसर्ट राइट तो ये देखें राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया, और अगर मैं यहाँ क्लिक करके कहता इंसर्ट लेफ्ट तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाता, ठीक है? अब ये जो कॉलम ऐड हो गया है मुझे इसको डिलीट करना है, तो कॉलम पे कहीं भी क्लिक करें ये पूरा कॉलम ही है। तो डिलीट का बटन यहाँ नजर आएगा, इस पर क्लिक करके जैसे ही डिलीट कॉलम करेंगे कॉलम से पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए तो दोनों पे क्लिक करके डिलीट कॉलम कर दिया तो ये भी पूरा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ग्रेड ऑब्लिक क्लास। तो यहाँ पे हमने लिखने के बाद क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पर? यहाँ से हमें जाना है, एक और ऑप्शन है सेल साइज, और यहाँ से हम जाएंगे ऑटो फिट में। ये सारे आपको लेआउट में मिलेंगे, से ऑटो फिट में जाएंगे और कहेंगे ऑटो फिट विंडो, तो ये पूरा टेबल फैल के पूरे पेज के ऊपर फैल जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ऑटो फिट कॉन्टेंट्स तो जितने जितने टेक्स्ट को रिक्वायर्ड जगह होगी मैक्सिमम उस कॉलम के अंदर ये उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये अभी इसको इतनी जगह रिक्वायर्ड थी तो इतना हो गया, और अगर ऑटो फिट करते हैं तो ये और फैल गया, तो ये इस हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा भी आप मैन्युअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी टेबल के बॉर्डर पे इस तरह अपना एरो रख के इसको कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह इसके इस वाले बॉर्डर पे रख के भी इसको पकड़ के ऐसे कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया इसका ये वाला मामला। अब इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से क्लिक किया और इसको दोबारा होम में आए और स्टाइल में हेडिंग वन में कन्वर्ट कर दें या हेडिंग टू में कन्वर्ट कर दें, वट एवर यू लाइक, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको कलर वगैरह भी फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको सूटेबल लग रहा है वो यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, या मोर कलर्स में जाके यहाँ से आप कोई कलर चूज करके कोई कलर बना लें उसको ओके कर दें तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं कि ये रो ऐड कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, और अब इसके बीच में एक और रो चाहिए थी। तो देखें जहाँ कर्सर है आपका, लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद रोज एंड कॉलम वाले पैनल में आएंगे, तो जहाँ कर्सर है आपका अगर उसके नीचे रो ऐड करनी है तो इंसर्ट ब्लू, ब्लू माने नीचे, और अगर जहाँ कर्सर है आपका इसके ऊपर रो ऐड करनी है तो इंसर्ट अबव यानी कि ऊपर। इस तरह से आप इसके अंदर रोज इजीली ऐड कर सकते हैं। अब रो ऐड हो गई, रो डिलीट करनी है तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें,
ये पूरी एक कंप्लीटली रो है, कहीं भी क्लिक करके डिलीट में जाएंगे और रोज पे क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। इस रो को डिलीट करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाके रो पे क्लिक करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी, कर्सर वहां रखना होगा। ठीक है, ये कर्सर जहाँ होगा वही कॉलम वही डिलीट, डिलीट कॉलम करेंगे ये पूरा चला जाएगा, डिलीट रो करेंगे ये दो नंबर वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ओके, फाइनली अगर डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा और अंडू करने पे वापस से रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने इसके अंदर डेटा डाल दिया, अब डेटा क्या इनपुट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैक्सिमम एजुकेशन मास्टर्स है तो पहले आप मास्टर लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटर, फिर मैट्रिक, और अगर मैक्सिमम एजुकेशन आपकी मैट्रिक है तो खाली मैट्रिक ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में किया, 2020 में किया, तो कौन सी क्लास में किया, फर्स्ट क्लास में पास कर लिया सपोज तो भी इसने, और कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, कॉलेज से किया, उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, सिंध जामशोर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट किया होगा तो इंटरमीडिएट लिख देंगे यहाँ पे, आप किस में किया, इंजीनियरिंग में किया, मेडिकल में किया, प्री मेजरिंग का पी ई लिख देंगे, और इसके आगे उसके बाद 2018 में किया होगा इसने तो यहाँ पे हमने इसको सेकेंड क्लास में, सॉरी क्लास नहीं ग्रेड में होगा तो बी ग्रेड में इसने पास किया था, BISE जिस बोर्ड से किया है, मीरपुर खास से, हैदराबाद से, नवाबशाह से, तो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए इन शॉर्ट में। फिर उसके बाद सबसे पहले मैट्रिकुलेशन किस में किया था, मैट्रिकुलेशन आपने किया था 2016 में और ये ए ग्रेड में पास हुआ था, और वो कौन से बोर्ड से किया था ये इसका नाम लिख दें। रेड लाइन किसी के नीचे आ रही तो राइट बटन दबा के देख लें, कोई एरर है अगर स्पेलिंग का तो आपके पास सजेशन भी है, यहाँ से चूज कर लें। उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा इसको कम ज्यादा कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इस तरह से इसके फॉन्ट साइज को भी मैनेज कर सकते हैं जो कि 14 में बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये काम कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे तो ये रैप हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इस कॉलम को रैप कर लेते हैं ताकि ये सही नजर आए, और इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर लेते हैं ताकि ये डेटा को प्रॉपरली आपको डिस्प्ले करे। ये वाला डेटा थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा लिखा हुआ था, तो इस वाले कॉलम को भी थोड़ा सा रैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इस साइड पर बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा ये इस साइड पर रैप कर लेंगे ताकि ये आपका इस साइड पर इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बेहतर नजर आएगा। ठीक है, अब आपने सीख लिया टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें रो कैसे ऐड करते हैं, इसमें से कॉलम कैसे ऐड करते हैं, रो कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, और टेबल कैसे डिलीट करते हैं, प्लस में इसके कॉलम्स की एडजस्टमेंट और रो की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब आते हैं टेबल को डिजाइन कैसे देते हैं, क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स आपके सामने मौजूद हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करें वो इस पर अप्लाई हो जाएगा, चेंज करना है बाद में और कोई स्टाइल देखने तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, व्हाटएवर आपको जो भी बेहतर लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज सुमी मैंने इसको जो स्टाइल दिया वो ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा था तो ये देखें इस पर अप्लाई हो गया। दोबारा से प्लेन करना है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको दोबारा से यहाँ से प्लेन कर सकते हैं, तो ये देखिए टेबल यहाँ पे प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा हमने ये देखा कि ऑटो फिट कैसे कर रहे होते हैं, इसके अलावा रो की हाइट और कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करना बताया, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करें इस रो पे, इसकी रो की हाइट यहाँ से बढ़ाई जा सकती है और यहाँ से कम की जा सकती है, क्लिक करें इस कॉलम पे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये काम यहाँ से भी ले सकते हैं, और अलाइनमेंट की बात करें तो इसे सिलेक्ट कर लें इसको, तो ये देखें टॉप सेंटर पे आ रहा है तो सेंटर सेंटर में नजर आए, बॉटम सेंटर पे नजर आए, बॉटम राइट लेफ्ट पे, बॉटम लेफ्ट पे, सेंटर राइट पर, सेंटर सेंटर में, इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे नजर आना चाहिए। तो इस तरह से आप टेबल को ईजिली अपने इसमें ऐड करा सकते हैं, और इस तरह का डिज़ाइन देने के लिए टेबल डिज़ाइन में जाके अच्छा सा एक डिज़ाइन दे रहे हैं, और अगर टेक्स्ट नज़र ना आए तो उसको सिलेक्ट करके दोबारा से होम में जाके यहाँ से क्लिक करके वाइट कलर अप्लाई कर दें ताकि वो प्रॉपरली नज़र आ जाए। तो इस तरह के जो भी मामलात हैं वो आप ईजिली कर सकते हैं। अब इसमें दो टेबल हैं, पहले आप ये वाला बना लें और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ये वाला टेबल भी आप अपनी CV में ऐड कर लीजिएगा कम्युनिकेशन के सेक्शन के अंदर। ठीक है, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। तो याद रखें टेबल क्या होता है, टेबल रोज एंड कॉलम का एक कलेक्शन होता है, यानी कि रो को हम ऐसे कंसीडर करते हैं, कॉलम को हम ऐसे कंसीडर करते हैं, और इसके अंदर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के अंदर अलग अलग सेल्स के अंदर डेटा को रख रहे होते हैं, इसके एक डब्बे को हम सेल कहते हैं और पूरे कलेक्शन को हम टेबल कह रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? चलो।